जब स्मार्ट सिटी के तहत जो सड़कें आ रही है उनकी ये हालत है। और ये है राजधानी पटना का स्मार्ट सिटी का सड़क। जरा देखते ही जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे जो लोग हैं जिन्होंने इस सड़क को बनवाया है, जरा वो एक नज़र डाल ले कि आखिरकार किस तरीके से गड्ढे को आपने भरा था। नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में राजधानी पटना में दो दिनों से जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में राजधानी पटना का हालत बहुत ख़राब है। हालत इस मामले में ख़राब है, आखिरकार राजधानी पटना के अलग अलग गलियों की अगर बात की जाए, सड़कों की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि तमाम जगहों पर बारिश के मौसम से पहले ही तमाम गड्ढों को ढक देना है, लेकिन गड्ढे तो ढके नहीं गए और जो ढके गए उसको पूरी तरीके से नहीं ढका गया। और बता दें आपको कि जो सड़क इन दिनों बना है स्मार्ट सिटी के तहत, वो सड़क आती है राजधानी पटना का, जो पटना का वीरचंद पटेल पथ है, वहाँ पर जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो बेहद आपको हैरान करेगी। हम वहाँ पर मौजूद हैं और जरा आप देखिए कि ये बारिश में सड़कें कैसे ज़मीन के अंदर चली गई है। ज़रा ये नज़ारा है राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ की। और ये सड़क आती है स्मार्ट तहत के तहत, जो राजधानी पटना का वीरचंद पटेल पथ है इसको स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया है। यहाँ पर तमाम पार्टियों के कार्यालय हैं और वहाँ पर की ये तस्वीर जो है ज़रा हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से एक जगह नहीं है, कई जगहों पर सड़कें जो है वो जो है ज़मीन के अंदर समा गई है। ये राजधानी पटना का वीरचंद पटेल पथ तस्वीरें हम आपको साथ में दिखा रहे हैं किस तरीके के। ज़रा देखिए, ये सड़क है राजधानी पटना का, ये सर्विस लेन है और सर्विस लेन की जरा ये हालत आप खुद अपने आँखों से देखिए। ये राजधानी पटना का है और कोई सड़क इन दिनों नहीं बना है। बिहार में एनडीए की जब सरकार थी उसी वक्त इस सड़क को बनाया गया था। अब जरा देखिए इसकी हालत क्या है और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब स्मार्ट सिटी के तहत जो सड़कें आ रही है उनकी ये हालत है, तो बाकी अन्य राजधानी पटना के मोहल्लों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या स्थिति होगी। कंकड़बाग की बात करें, गर्दनी बाग की बात करें, तो तमाम जगहों की जो स्थिति है इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति रही होगी। ये है सर्विस लेन और सर्विस लेन का ये है आलम और ये है राजधानी पटना का स्मार्ट सिटी का सड़क। ज़रा देखते ही जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे जो लोग हैं जिन्होंने इस सड़क को बनवाया है, ज़रा वो एक नज़र डाल ले कि आखिरकार किस तरीके से गड्ढे को आपने भरा था। किस प्रकार से जब सड़कें बनती है तो तमाम चीज़ों की प्रक्रिया होती है, पानी दिया जाता है, हर चीज़ किया जाता है, बावजूद ये बारिश में सड़क धरती में समा गई है। ज़रा जनता इसको देखे और समझे कि आखिरकार जो सड़कें बनी है उसकी क्या स्थिति है। अब तक पुल ठहरा था, अब सड़कें भी जो है वो धरती के अंदर समा रही है। ये है आलम राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ की तस्वीर। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।